आपके अपने गुरु चौहान जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक लेक्चर पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो भी एक राजस्थान के प्रमुख लेक्चर्स में से माना जा सकता है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है फड़। ये लोक कला का टॉपिक है। हमारे राजस्थान में एक हस्तकला है, एक चित्रकला है, एक लोक कला है। लोक कला से क्या तात्पर्य है? लोक कला से तात्पर्य है कि हमारे राजस्थान की जो आंचलिक क्षेत्र की कला है, जैसे हमारे राजस्थान में फड़ है, हमारे राजस्थान में मेहंदी मानना है, मानने मानना है, ये सब हमारी लोक कलाओं के अंतर्गत आता है। अतः मैं जिस लोक कला पर आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, वो राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है और इस लोक कला का नाम है फड़। फड़ शब्द पट से बना है और पट का मतलब होता है कपड़ा, अर्थात इसमें किसी कपड़े पर और कपड़े का ज्यादातर कलर कौन सा होता है? सफेद रंग के कपड़े पर लाल रंग से विभिन्न लोक देवी देवताओं के चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। अतः इसमें कपड़े पर लोक देवता के समस्त जीवन वृतांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, बाबूजी अपनी मां के गर्भ में आए, बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी ने क्या क्या लोक कार्य किए, बाबूजी का विवाह किसके साथ हुआ, बाबूजी ने किसके साथ युद्ध किया, बाबूजी किस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुए। अतः बाबूजी की समस्त जीवन वृतांत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस फड़ के आकार क्या हो सकते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई में इसके आकार होते हैं 30x5 फिट व 24x5 फिट। अतः ये दो प्रकार की फड़े ज्यादा बनाई जाती हैं। लंबाई 30x5 फिट, अतः लंबाई 24x5 फिट। इस आकृति की फड़ बनाने का ज्यादा प्रचलन रहा है। इस फड़ का वाचन कौन करता है? इस फड़ का वाचन भोपा करता है। मनोती पूर्ण होने पर, हमारे राजस्थान में मनोती पूर्ण होने पर फड़ वाचन करवाने का रिवाज रहा है, जिसका वाचन भोपा करती है। हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है शाहपुरा, और ये शाहपुरा हमारे राजस्थान में, शाहपुरा जयपुर में भी है, हमारे राजस्थान में धौलपुर में भी शाहपुरा है, तो हमारे राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा भी है। और इस भीलवाड़ा में एक जोशी परिवार के लोग रहते हैं और जोशी परिवार के लोग फड़ बनाने का काम करती हैं। इस परिवार के शिवलाल जोशी, पार्वती जोशी, श्रीलाल जोशी और एक जिनका नाम कल्याणमल जोशी, ये राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ चितेरे मानी जाती हैं। चित्र बनाने वालों को चितेरा कहती हैं। अतः ये राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ चितेरे हैं और इनमें से राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी कौन है? राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी पार्वती जोशी है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा की रहने वाली है। अगर फड़ फट जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसे एक झील में प्रवाहित करती हैं, जिस झील का नाम पुष्कर झील है। इसको क्या कहती हैं? इसको फड़ को ठंडा करना कहती हैं। अतः फड़ ठंडी करने से क्या तात्पर्य है? जब ये पुरानी हो जाती है तो या जीर्णशीर्ण हो जाती है या फट जाती है तो इसे पुष्कर झील में प्रवाहित करती है, जिसे फड़ को ठंडा करना कहती है। हमारे राजस्थान में कई सारी फड़ों को बनाया गया श्रीलाल जोशी के द्वारा। अतः श्रीलाल जोशी का नाम इस फड़ के लिए बहुत आगे जाना जाता है। श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले, और श्रीलाल जोशी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण हम उनका नाम इतने सम्मान के साथ लेते हैं? श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे, उन्हें बाऊजी के उपनाम से जाना जाता है। श्रीलाल जोशी की सबसे प्रसिद्ध फड़ का नाम, श्रीलाल जोशी ने कई सारी फड़े बनाई,
उनमें से सबसे प्रसिद्ध फड़ का नाम देव नारायण जी की फड़ है। देव नारायण जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ जो श्रीलाल जोशी की फड़ों में मानी जाती है। इन्होंने मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर भी फड़ बनाई है। अतः सेनानी मेघराज मुकुल की एक कृति मानी जाती है और उस पर फड़ बनाने का काम श्रीलाल जोशी ने किया। श्रीलाल जोशी साहब का निधन हो चुका है, लेकिन वो अपनी विरासत में अपने परिवार को ये धरोहर छोड़ कर गए हैं। श्रीलाल जोशी को इस कला के लिए पद्म श्री 2006 से सम्मानित किया गया, तो उन्हें एक अवार्ड और दिया गया था जिसका नाम शिल्प गुरु सम्मान था। अतः शिल्प गुरु सम्मान वह दिया जाता है जो कि हस्तकला, लोक कला आदि को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, और उन्हें शिल्प गुरु सम्मान 2007 हेतु दिया गया था। अतः श्रीलाल जोशी का नाम सदा सदा इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की इस कला को एक नया आयाम प्रदान किया। तो ऐसी महान अस्थि श्रीलाल जोशी थी। अब अगर हम राजस्थान की फड़ों पर बात करें तो हमारे राजस्थान में कई सारी फड़े हमें देखने को मिलती हैं। उनमें से अगर बात करें तो एक फड़ है देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ पर बात की जाए, देव नारायण जी की फड़े हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। यह फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। यह फड़ राजस्थान की सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ मानी जाती है। यह राजस्थान की सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी मानी जाती है। और क्या प्रश्न इस पर बन सकता है। यह सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है, सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी भी है और सर्वाधिक चित्रों वाली भी है। तो छोटी के पीछे क्या कारण है। यह 2x2 सेंटीमीटर की फड़ है, और इस फड़े को छोटी होने का क्या कारण है, क्योंकि 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट इस फड़ पर जारी किया गया। तो स्टाम्प तो हमेशा छोटी होती है, तो 2x2 सेंटीमीटर की फड़ बनाई गई जो राजस्थान की सबसे छोटी फड़ भी मानी गई है। देव नारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, गुजर जाति के भूपे करते हैं। अतः इस फड़ में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है, इस फड़ में मुख्य वाद्य यंत्र जंतर होता है। तो हमारे राजस्थान की इस फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। कितनी महत्वपूर्ण फड़ है ये हमारी राजस्थान की फड़। एक फड़ हमारे राजस्थान में और प्रचलित है, उस फड़ का क्या नाम है, उस फड़ का नाम पाबूजी की फड़ है। पाबूजी हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं, और पाबूजी की फड़, इस फड़ की क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। यह राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, इस फड़ का वाचन कौन करते हैं, इस फड़ का वाचन करते हैं थोरी जाति, नायक जाति व अयाड़ी जाति के भूपे करते हैं। थोरी, नायक या अयाड़ी जाति के भूपे इसका वाचन करते हैं। इस पाबूजी की फड़ में मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है। अतः इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। तो हमारे राजस्थान में एक फड़ और प्रसिद्ध है, उस फड़ का क्या नाम है। हमारे राजस्थान की एक फड़ है जिस फड़ का नाम है भैंसासुर की फड़। एक फड़ और है जिसका नाम भैंसासुर की फड़ है। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, इस फड़ का वाचन नहीं करती हैं। बावरी जाति के लोग चोरी के लिए जाते समय इस फड़ की पूजा कर जाती हैं, अतः इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। हमारे राजस्थान में एक फड़ और है, और उस फड़ का नाम क्या है, वह फड़ है राम दला कृष्ण दला की फड़। राम दला कृष्ण दला की फड़ की क्या खासियत है, इस फड़ में किसी लोक गाथा के साथ, किसी लोक गाथा के साथ राम व कृष्ण को संबंधित बताया जाता है।
और ये फल हमारे राजस्थान में विशेषकर हाड़ोती क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक है। अतः इसमें राम और कृष्ण को किसी लोक गाथा के साथ संबंधित बताते हैं। तो एक फल है राम दला कृष्ण दला की फल। हमारे राजस्थान में एक फल और है और उस फल का नाम हमारे राजस्थान में अमिताभ बच्चन की फल है। अमिताभ बच्चन हमारे भारत के महानायक और इन पर भी फल बना दी गई है। अमिताभ बच्चन की फल की खासियत क्या है? इस फल का वाचन मारवाड़ के भोपा रामलाल व भोपन पतासी ने अमेरिका में कर दिया है। अतः कितनी इंपोर्टेंट फल है, इसे अमेरिका में बांट दिया गया है। अतः अमिताभ बच्चन की फल में अमिताभ की तुलना किस लोक देवता से की गई है? अतः अमिताभ बच्चन की फल में अमिताभ की तुलना लोक देवता पाबूजी से की गई है। अतः अमिताभ को पाबूजी के समतुल्य बता दिया गया है। ऐसी अमिताभ बच्चन की फल है। हमारे राजस्थान में एक फल और है और उस फल का क्या नाम है? उस फल का नाम रामदेव जी की फल है। रामदेव जी की फल का वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भूपे करते हैं। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? इसमें मुख्य वाद्य यंत्र भी रावण हत्ता होता है। अभी हाल ही में एक फड़ का और चर्चा हुई है और वो फड़ हमारे राजस्थान में आज तक फड़े निर्मित की गई जो कि कलरफुल रंगों से रेड कलर से बनाई गई, लेकिन हमारे शाहपुरा भीलवाड़ा के कल्याणमल जोशी साहब ने एक फड़ बनाई है। कल्याणमल जोशी ने एक फड़ बनाई है जिसका नाम कृष्ण लीला की फड़ है। और इस फड़ की क्या खासियत है? यह राजस्थान की पहली श्वेत श्याम फड़ है। ये राजस्थान की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है। अतः राजस्थान की पहली श्वेत श्याम फड़ का नाम कृष्ण लीला की फड़ है और इस फड़ को बनाया है शाहपुरा भीलवाड़ा के कल्याण मल जोशी ने। इस फड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान सात लोक कल्याण मार्ग पर लगा दिया गया है। अतः हमारी राजस्थान की एक फड़ प्रधानमंत्री के निवास स्थान की शोभा बढ़ा रही है। आपका अपार सहयोग मुझे मिल रहा है और मेरा जो YouTube चैनल है गुरु चौहान जी के, वो दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। मुझे आपसे यही पूरा विश्वास है और यही उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे और मैं भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसीलिए मैं आपके लिए रोज दो तीन दिन में एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतः आपको ये कैसा लगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं इसी प्रकार आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद साथियों, मित्रों,